नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। पाकिस्तान की हालत आज ऐसी हो गई है कि उसे पूरी दुनिया लताड़ रही है, और इस लताड़ की वजह भी साफ है। वो पहले तो आतंकवाद की खेती करता है, हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, जकीउर रहमान लखवी जैसे खूंखार आतंकवादियों का दाना पानी चलाता है और फिर दुनिया भर में झूठ फैलाता है। आजकल कश्मीर पर घूम घूम कर झूठ फैलाने में जुटे पाकिस्तान ने अब श्रीलंका क्रिकेट टीम को लेकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। अब की बार खुद श्रीलंका ने पाकिस्तान के इस झूठ के लिए जबरदस्त लताड़ लगाई है। दरअसल श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के लसिथ मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों ने आतंकी हमले के डर से श्रीलंकाई टीम ने पाकिस्तान जाने से मना किया, तो पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इसे भारत की साजिश बता दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, खेल कमेंटेटर्स ने मुझे ये बताया कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों को धमकी दी कि यदि वो पाकिस्तान जाने से इनकार नहीं करते हैं तो उन्हें आईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। ये वास्तव में सस्ती रणनीति है। खेल से लेकर अंतरिक्ष तक के लिए कट्टर राष्ट्रवाद कुछ ऐसा है जिसकी हमें आलोचना करनी चाहिए। भारत के खेल अधिकारियों का ओछा रवैया। फवाद हुसैन ने श्रीलंका के सीनियर खिलाड़ियों के पाकिस्तान न जाने के पीछे भारत पर साजिश करने का आरोप लगाया, तो श्रीलंका सरकार के खेल मंत्री हरन फर्नांडो ने उन्हें जवाब दिया। हरन फर्नांडो ने फवाद हुसैन के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा कि ये बात पूरी तरह झूठ है कि भारत ने श्रीलंका के खिलाड़ियों पर पाकिस्तान में नहीं खेलने का दबाव बनाया। कुछ खिलाड़ियों ने नहीं खेलने का फैसला लिया है जो पूरी तरह 2009 की घटना पर आधारित है। उनके निर्णय का सम्मान करते हुए उन प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है जो वहां जाने को इच्छुक हैं। श्रीलंकाई खेल मंत्री के बयान से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले पाकिस्तान का धूर्त चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। वो अपने देश में पल रहे आतंकवाद को खत्म करने के बजाय दूसरे देशों पर आरोप मढ़ता रहता है और झूठ की फैक्ट्री चलाता है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि आतंकवाद की वजह से ही श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान दौरे से अपना नाम वापस ले लिया है। श्रीलंका को सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है, लेकिन वनडे टीम के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने, टी20 कप्तान लसिथ मलिंगा, पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज, निरोशन डिकवेला, कुशल परेरा, धनंजय डी सिल्वा, अकिला धनंजय, सुरंगा लखमल, दिनेश चंडीमल और दिमुथ करुणारत्ने जैसे खिलाड़ियों ने सुरक्षा का हवाला देकर पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। बता दें, पाकिस्तान में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर 2009 में आतंकवादी हमला हो चुका है। इसके बाद से ही अधिकतर क्रिकेट टीमें पाकिस्तान दौरे से बचती रही हैं। 2015 में जिम्बाब्वे और 2018 में वेस्टइंडीज की टीमों ने वहां सीमित ओवरों के मैच जरूर खेले, लेकिन बड़ी टीमें पाकिस्तान दौरे से इनकार करती रही।